प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 फरवरी को राज्यसभा में संविधान के आर्टिकल 356 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में काबिज कांग्रेस की सरकारों ने आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके 90 बार राज्यों की सरकारों को बर्खास्त किया। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने का दोषी भी ठहराया। वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। और पीएम मोदी की राज्यसभा में कही गई ये बात 100% सही है। कांग्रेस ने केंद्र में शासन करने के दौरान वाकई आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया है और राज्यों की सरकारों को बर्खास्त किया है। लेकिन शायद कांग्रेस के वक्त का जिक्र करते करते प्रधानमंत्री मोदी खुद के कार्यकाल के करीब 9 साल और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के करीब 6 साल को भूल गए, क्योंकि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल सिर्फ नेहरू या इंदिरा ने ही नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तो सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि आखिर ये आर्टिकल 356 है क्या जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में किया है। तो संविधान का आर्टिकल 356 कहता है कि अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल की सिफारिश या फिर किसी भी और तरह से ये लगता है कि किसी राज्य में व्यवस्था संविधान के अनुकूल नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति उस राज्य की व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकते हैं। आम फहम भाषा में आर्टिकल 356 के इस्तेमाल को ही राष्ट्रपति शासन कहते हैं। शुरुआती तौर पर राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए किसी राज्य में लगाया जाता है, जिसे जरूरत के मुताबिक 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या उस राज्य की पूरी देखरेख खुद राष्ट्रपति को करनी होती है? तो ऐसा नहीं है। राज्य की पूरी मशीनरी केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिशों के मुताबिक काम करती है। यानी कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य का पूरा दारोमदार केंद्र सरकार पर आ जाता है। और यही वजह है कि संविधान के बनते वक्त जब इस आर्टिकल और इसकी शक्तियों को परिभाषित किया जा रहा था, लिखा जा रहा था, तो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का डेड लेटर कहा था। डॉक्टर अम्बेडकर की कही हुई बात 100% सच साबित हुई। केंद्र की सरकारों ने अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करना शुरू किया। और आज की तारीख में 130 बार से ज़्यादा ऐसे मौके आए हैं जब केंद्र ने राज्यों को राष्ट्रपति शासन के हवाले किया है, जिसकी शुरुआत हुई थी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से। तब देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने 20 जून 1951 को आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके पंजाब को राष्ट्रपति शासन के हवाले कर दिया था। उसके बाद से ही इस आर्टिकल 356 का इस्तेमाल गाहे बगाहे होता रहा। और 1959 में जब नेहरू ने केरल की चुनी हुई नंबूदरीपाद के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया तो इसकी गंभीर आलोचना शुरू हुई। इसके बावजूद राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल होता रहा और अब भी होता है। राष्ट्रपति शासन, या कहिए कि आर्टिकल 356 का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इंदिरा गांधी के ही वक्त में हुआ है। और अपने करीब 15 साल के शासनकाल में इंदिरा गांधी ने कुल 51 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री और HD देवेगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके कार्यकाल में सबसे कम महज 1 बार ही इस आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है। देश के प्रधानमंत्री रहे इंद्र कुमार गुजराल इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने कभी भी इस आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। और केंद्र में उनके प्रधानमंत्री रहने के दौरान किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना पड़ा। देश में महज 2 राज्य छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ही ऐसे हैं जिनमें अब तक 1 बार भी आर्टिकल 356 का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन आर्टिकल 356 के दुरुपयोग की बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छेड़ी है, और वो भी राज्यसभा में। तो उनके कार्यकाल के दौरान भी इस्तेमाल हुए आर्टिकल 356 का जिक्र तो होगा ही होगा। और इतिहास बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अब तक कुल 10 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल हो चुका है, जो कम से कम जवाहरलाल नेहरू की तुलना में तो कम ही है जिन्होंने अपने करीब 17 साल के कार्यकाल में सिर्फ 7 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया था। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद PM मोदी ने
दिल्ली में पहले से चल रहे राष्ट्रपति शासन को बहाल रखा था। पीएम मोदी ने पहली बार अपने कार्यकाल में 8 जून 2014 को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया था। यह वो वक्त था जब आंध्र प्रदेश से निकलकर तेलंगाना नया राज्य बना था। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में भी 28 सितंबर 2014 को राष्ट्रपति शासन लगाया था, क्योंकि तब कांग्रेस का गठबंधन टूट गया था। महाराष्ट्र में दूसरी बार पीएम मोदी के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन तब लगा जब 2019 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट गया। तब 12 नवंबर 2019 से 23 नवंबर 2019 तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। अरुणाचल प्रदेश में भी पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान 25 जनवरी 2016 से 19 फरवरी 2016 तक आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। पीएम मोदी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा 3 बार राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगाया गया। पीएम मोदी के कार्यकाल में पहली बार 9 जनवरी 2015 को राष्ट्रपति शासन लगा, जो 1 मार्च तक बहाल रहा। फिर मुख्यमंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद केंद्र सरकार ने 8 जनवरी 2016 को जम्मू कश्मीर को राष्ट्रपति शासन के हवाले कर दिया, जो 4 अप्रैल 2016 को तब तक चलता रहा जब तक मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ न ली। 19 जून 2018 को जम्मू कश्मीर में फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया, क्योंकि बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। फिर तो जम्मू कश्मीर का बंटवारा भी हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो जम्मू कश्मीर में अब भी केंद्र की ही सत्ता चल रही है। अभी 2 साल पहले पुडुचेरी में भी पीएम मोदी के कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगा था, जो 25 फरवरी 2021 से 7 मई 2021 तक लागू रहा। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां अब तक 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और दोनों ही बार ये राष्ट्रपति शासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही लगा है। पहली बार लगा 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016 तक, और फिर अगले ही दिन 22 अप्रैल 2016 से फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 11 मई 2016 को हटाया गया। बाकी तो बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और उन्होंने भी अपने कार्यकाल में 5 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। वाजपेयी सरकार से पहले 2 बार ऐसे भी मौके आए हैं जिनमें बीजेपी और उससे पहले जनसंघ सत्ता में हिस्सेदार रही है। पहला मौका आपातकाल के बाद था, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे और तब जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ था, जिसके वक्त में 17 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1989 में जब वीपी सिंह जनता दल से प्रधानमंत्री बने थे तो बीजेपी का समर्थन था, और तब वीपी सिंह के जमाने में भी 2 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिकल 356 के दुरुपयोग का जो जिक्र राज्यसभा में किया वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका दुरुपयोग अकेले कांग्रेस ने ही नहीं किया है बल्कि बीजेपी ने भी किया है। और अगर किसी को इस बात का भरोसा न हो तो उत्तराखंड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसकी कॉपी उठाकर पढ़ सकता है, जिसके बाद उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाना पड़ गया था। बाकी पीएम मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस को घेरने के लिए दुष्यंत कुमार का एक शेर पढ़ा था कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो मैं उन्हीं दुष्यंत कुमार का एक दूसरा शेर पढ़कर अपनी बात को खत्म करता हूँ कि इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। राजनीति के कीचड़ में हर किसी का पांव सना है, किसी का कम तो किसी का ज्यादा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।